हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी पनीर के पकोड़े। एकदम इजी रेसिपी है, घर पे झटपट आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कप मैंने लिया है बेसन, बेसन को छान लिया है। एक चम्मच हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट। आधा चम्मच अजवाइन डाली है। आधा चम्मच ही इसमें जाएगा जीरा, साबुत जीरा है ये, कच्चा वाला। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी बहुत थोड़ी डालें। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और हरा धनिया डाल देंगे इसमें बारीक कट करके। सभी चीज़ों को पहले हमें ड्राई ही एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक घोल बनाएंगे। ध्यान रहे एकदम से खूब सारा पानी नहीं डालना है, स्लोली स्लोली आप पानी ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं। और थोड़ा सा गाढ़ा ही इसका घोल हमें तैयार कर लेना है, जितना कि पनीर में अच्छे से कोट हो पाए। विस्क की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिला लें और इस तरीके की देखिए कंसिस्टेंसी का आपको घोल तैयार करना है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसमें मैं एक पिंच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के हल्का सा इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे और इस घोल को हमें रख देना है अभी 5 मिनट के लिए। आगे यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, ऐसे रेक्टेंगुलर पीसेस में कट किया है। तो ये पनीर और बैटर दोनों तैयार है। हल्के से आप देखिए इस तरीके से इसे कोट कर लीजिए बेसन के अंदर और स्लोली स्लोली स्पून की हेल्प से आप इसे ड्रॉप कीजिए, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है तो केयरफुली डालना है। विद इन सेकेंड्स ये ऐसे फूलने लगेंगे, हल्का हल्का सा आप इन्हें हिला के पलट दीजिए। गोल्डन होते तक इसे हमें फ्राई करना है और ये झटपट से पनीर पकौड़े बिल्कुल तैयार है। गरम गरम चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं टेस्ट में, बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ में और कमेंट करके मुझे बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खाते पीते रहें। बाय बाय।